गवर्नर हाउस का चौक है, गवर्नर हाउस। और आज मैं यहाँ लोगों का रिएक्शन लूँगा कि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच था, पाकिस्तान क्यों आ रहे, क्या वजह थी, और अब आगे पाकिस्तान वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गया, आगे वहाँ पाकिस्तान क्या कर सकता है जो वर्ल्ड कप में अच्छा खेले। बाकी मैचेस लोगों का रिएक्शन जानते हैं, तो मिलते हैं आपसे लोगों के साथ। थैंक यू। रुको जरा, सबर करो जी भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। सुनाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल मैच आपने देखा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, जी। तो कैसा लगा पाकिस्तान के हारने पे, और क्या बोलेंगे आप? पाकिस्तान तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। यार देखो, ये तो मैच है, जब दो टीम मैदान में उतरेंगे, एक को जीतना है। बाकी बहुत मजा आया और बहुत अच्छा मैच हुआ। मैच तो अच्छा हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कहां कहां गलती की, आप क्या बोलेंगे? इससे पहले भी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ये मैदान में उतरे हुए इस वर्ल्ड कप में, इसका हर जगह गलती है। ओह माय गॉड, वाओ। अच्छा, मेरी ज़हन में ये है। अच्छा, बाबर आजम को हटाना है, कैप्टनसी से हटाना है। आपकी बहुत यारी दोस्ती इनके बीच में चल रही है। अच्छा, इस बातों में आप भी यही समझते हैं जो बातें चल रही हैं? भाई ये सारा सिफारिश है, कोई भी काम का खिलाड़ी नहीं है इनमें। अच्छा जी। तो A few moments later। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र नगर भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। भाई कल के मैच के बारे में क्या बोलेंगे आप? कल के मैच के बारे में क्या बोले यार, अब तो समझो दिल टूट सा गया है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो पाकिस्तान की जो हार हुई है, इस पे आप क्या बोलेंगे, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई? गलतियाँ बहुत सारी हैं, गलती हमारी बैटिंग लाइन में भी है, गलती हमारी बॉलिंग लाइन में भी है। अच्छा। और एक कैप्टनसी में भी बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। सरफराज की कैप्टनसी को देखें, वो बहुत अलग। बिल्कुल। उसकी कैप्टनसी देखें अलग। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाता है कि यार अपने लिए थोड़ा सा खेल रहे हैं, मुल्क के लिए कब खेलेंगे, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। इसमें दोस्ती यारियां भी चल रही हैं। दोस्ती यारियां भी बहुत हैं टीम के अंदर, सारे दोस्त यारी हैं आपके सामने, आप लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी कमियां हैं, सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि भाई हमें किन बंदों को सिलेक्ट करना है। आपने जो सिलेक्ट किए हैं नकाश भाई, बात दरअसल ये है कि यार अगर एक बंदा अंडर 19 में खेलता है या अंडर 18 में खेलता है, तो वो उसके लिए ही है अभी। उसको आप अगर वर्ल्ड कप में भेज दोगे तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने उसको भेज दिया, वो उस काबिल ही नहीं है, आपने उसको भेज दिया। एक अच्छा प्लेयर है मानता हूँ, लेकिन एक होता है वर्ल्ड कप प्लेयर, वो आपने बिठाए हुए पीछे, वो बैठे हुए और आपने बच्चे समझो एक तरह से भेजे हैं, तो यार उनकी गलती नहीं है। हम टीम को बुरा कह रहे हैं तो गलती उनकी नहीं है, सिलेक्टर्स की मेरे नजदीक जो है ना ज्यादा गलती। बस आप सिलेक्टर को ही सारा इल्जाम दे रहे हैं। सही बात है कि आपने जो है बॉलिंग लाइन को आपने देखा नहीं, किस तरीके से हमें मिडिल बॉलर्स को देखना है, मिडिल बैट्समैन को देखना है और फिर उनको सिलेक्ट करना है, तो मेरे नजदीक जो है ना उनकी ज्यादा गलती है। इनको जो है बुरा भला कहने से हमें नहीं कहना चाहिए, उनको सिलेक्ट करने वालों को देखना चाहिए कि यार एक बंदा उस काबिल है ही नहीं, आपने उसको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी वासित भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। जी वासित भाई, कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच आपने जाहिर है देखा होगा जी, तो क्या तासुरात हैं, क्या रिएक्शंस हैं? पाकिस्तान ने कहां गलती की, अफगानिस्तान ने अच्छा खेला, क्या मतलब आपका क्या समप है इस बारे में? मेरे दोस्त, सिर्फ ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए कि इतना फेड अप के कभी भी नहीं हुआ, 92 से लेके आज तक ये सीन है, सिर्फ चांस के ऊपर हमारी पाकिस्तान टीम चल रही है और हम इतने फेड अप हो चुके हैं, तो अब हमारे दिल से ये निकल रहा है कि पाकिस्तान टीम को इंटरनेशनल लेवल से जो है बायकॉट कर देना चाहिए। मजा आया नहीं, बहुत बड़ी बात कर दिया। अब हमारा दिल बिल्कुल खत्म हो चुका है इस टीम से, हमारी अपनी टीम से, हमारी ना कोई कैप्टनशिप है, ना कोई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, किसी हिसाब से हमारी कोई वर्किंग है ही नहीं। नहीं, इतना आपका दिल टूटा है, मतलब जाहिर है परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी हुई है, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट तो हमें ही करना है ना। वो बात फिर बहुत बुरी लगेगी, हमारी यहाँ जो है जबानों का बड़ा तासुब रहा है, हमारा पाकिस्तान नहीं है, ये पंजाबिस्तान टीम हो गई है, हम पंजाब 11 से खेलते हैं, पंजाब 11 और सही के इसके लिए हमारा दिल बहुत टूटा हुआ है। बहुत सारे लड़के कराची के हैं जिनको आप खिलाना पसंद नहीं करते, और ये हमारे लिए बस, हम इससे ज्यादा कुछ बात नहीं, मतलब इनडायरेक्टली आप सरफराज के लिए कह रहे हैं, पाकिस्तान कराची के लड़कों के लिए आप उसके
मैचेस उठा के देखें या परफॉर्मेंस के ऊपर आप देखें। हम नहीं कहते कि आप कराची वाले लड़कों को लाएं, आप परफॉर्मेंस तो देखें लड़कों की, आप किस बिहाफ के ऊपर आप सिर्फ मैच फीस के लिए खेल रहे हैं कि हमें 10 लाख 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप मुल्क के लिए थोड़ी खेल रहे हैं। और कोई भी प्लेयर हो, हमारा यार अब दिल इससे खत्म हो चुका, हम तो ये दुआ गो हैं कि अब ये पाकिस्तान टीम जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। नहीं नहीं, आप उम्मीद रखें, आगे 4 मैच बाकी हैं, कोई उम्मीद रखना चाहिए इनसे, कोई चांसेस। हमने अपने टीवी भी सब खत्म कर दिए भाई, हमें मैच के लिए तो स्पेशली हमें कोई नहीं देखना इवेंट। चलें, बहुत अफसोस हुआ, सबके दिल टूटे हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई बताओ यार, कल के मैच का क्या हुआ है, पाकिस्तान क्यों आ रहा है समझ से बाहर है? मैच को देख के मेरी शिकायत जो ना वो है बाबर आजम से। अच्छा, बाबर आजम की जो कैप्टनसी है मेरे हिसाब से बिल्कुल ना अहल है, इससे बहुत बेहतर सरफराज था। बिल्कुल, टीम मैनेजमेंट का कुछ नहीं था, बॉलिंग चाहे जिस टाइम पे जो बॉलर लगाने थे उस टाइम पे वो स्पिनर लगा रहा है, जिस टाइम पे स्पिनर लगा उस टाइम पे फास्ट बॉलर लगा रहा है। बिल्कुल, बॉल के अंदर सीम नहीं था, जब सीम होना शुरू हुआ तो बाबर आजम साहब ने स्पिनर लगा दिए, रिवर्स स्विंग स्टार्ट हुआ स्पिनर लगा दिए। बिल्कुल सही। और दूसरा बैटिंग से तो आपको पता ही, हमेशा ही बड़ा मसला रहा है बैटिंग के अंदर, बैटिंग तो वैसी नहीं हो रही हम लोगों से, दूसरे इन्होंने सिलेक्शन बड़ी गलत करी है। बिल्कुल, एक जैसे दो बॉलर खिलाए हुए, जो खिलाने वाला बॉलर था अबरार उसको इसको आउट रखा। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा है, अगर अबरार होता तो मैच कंडीशन कुछ और होती। सही, लेकिन देखें आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस तरह हारना चाहिए था अफगानिस्तान से? इस पिच पे 282-382 के बराबर था, बिल्कुल ऐसी तो बिल्कुल ये तो दिमाग में नहीं था कि यार अफगानिस्तान से हारेगा और इस तरह हारेगा। हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हुआ है कि जिनको हम लोगों ने क्रिकेट सिखाई है और वो ही हमें उन्होंने शिकस्त दी है। जी गाइस, वीडियो आपने देखी होगी और देखें लोग कितना दिल टूटा हुआ है सबका। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। बाबर आजम की कैप्टनसी पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जायज़ हो रही है, और सरफराज को याद किया जा रहा है, और बाकी हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा बात हुई, बातें बहुत हुई, लेकिन जो दिखाई जा सकती थी वो आपको दिखाई, और बस दिल टूटा हुआ है सबका। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, थैंक यू।